हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसे DESB कहा जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बता दूं कि इसके बाद आने वाले काफी सारे आगे के जो लेक्चर्स हैं वो भी डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड पे ही होंगे, उनके स्टेप्स के ऊपर, उनका आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम से पूछा जाता है। सो दैट इज वाई मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ DES. DES is a block cipher published by National Institute of Standards and Technology. Block cipher, जैसा कि हमने पहले ही समझा है कि block cipher क्या होता है, block cipher basically converts a plain text into cipher text and it converts whatever the plain text it is into blocks of plain text को convert करता है। वो एक time पे multiple plain text can be converted into cipher text. That is the main advantage of block cipher. तो DES भी एक kind of block cipher ही है। और उसको किसने पब्लिश किया था? NIST, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट। DES वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एन IBM टीम फॉर्मड इन अर्ली 1970 इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर अ मेथड टू सिक्योर डेटा। तो किसने फॉर्म किया था DES को? IBM की एक टीम ने फॉर्म किया था इन अर्ली 1970। क्यों फॉर्म किया था? बिकॉज कस्टमर वर रिक्वेस्टिंग दैट दे वॉन्ट अ मेथड टू सिक्योर डेटा, a very efficient method to secure data. In 1973, NIST published a request for proposals for a symmetric key cryptography. So now what happened is, NIST in 1973 mein kya kiya? Unhone ek request ko publish kiya and the request was for proposals for a symmetric key cryptography. Ab symmetric key cryptography kya hota hai? That is basically converting your plain text into cipher text using a key which can be used for encrypting the plain text or it can also be used for decrypting the cipher text. So same key is used for encryption as well as decryption and that's why symmetric key cryptography. A proposal from IBM, a change in the project called Lucifer was accepted as DES. तो IBM की तरफ से proposal आया था, since NIST ने publish किया था request, तो IBM की तरफ से proposal आया एंड जो लुसिफर कल के एक प्रोजेक्ट था उसको चेंज करके उसको DES का नाम दिया गया था। नाउ DES वॉज पब्लिश्ड इन फेडरल रजिस्टर इन 1975 एज अ ड्राफ्ट ऑफ फेडरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। तो फेडरल रजिस्टर में इसको पब्लिश किया गया था, FIPS का जो है फेडरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड के, इसमें ड्राफ्ट की तरह पे रखा गया था। दिस ड्राफ्ट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल की लेंथ 56 bits, which could make cipher text weaker to many attacks. तो since यहाँ पे key का length छोटा था, तो this draft was rejected because ऐसा सोचा गया था उस time पे कि इतना small key के वजह से cipher text easily attack हो सकता है, cipher text weak हो सकता है. So this was thought earlier. Later on, IBM developer mentioned that internal architecture of DES was designed to prevent cryptanalysis. फिर IBM डेवलपर ने धीरे धीरे जस्टिफाई किया उस चीज को कि भले ही आपका जो सिफर टेक्स्ट का लेंथ है वो कम है, लेकिन दैट डज नॉट अफेक्ट बिकॉज उसका जो अंदर का आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसको ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी इजीली आपके जो प्लेन टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। क्रिप्ट एनालिसिस मतलब बेसिक आपका जो भी आपका क्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ है उसको इजिली ट्रांसफॉर्म करना या फिर इजीली अटैक करना पॉसिबल ना हो। नाउ फाइनली NIST पब्लिश्ड DES इन जनवरी 1977 एंड डिफाइंस DES एज द स्टैंडर्ड फॉर यूज इन अनक्लासिफाइड एप्लीकेशंस। तो फिर NIST ने पब्लिश किया DES फाइनली इन जनवरी 1977 बिकॉज इट क्लियर्ड ऑल द रिजेक्शंस और या फिर जो भी सारे क्वेश्चंस थे उनको जस्टिफाई करा था DES एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड फाइनली एंड NIST ने इसको पब्लिश किया। The day onwards DES has been proven most widely used symmetric key cryptography algorithm. तो उसके बाद से DES को काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा एंड इट बिकेम द मोस्ट वाइडली यूज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने आपको सिमेट्रिक की का मतलब पहले ही बताया है कि सिमेट्रिक की का मतलब ये होता है कि इट विल यूज द सेम की फॉर द एनक्रिप्शन पार्ट एज वेल एज द डिक्रिप्शन पार्ट। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसका इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोज में मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू पे बात करूंगी और डिटेल में स्टेप्स क्या होते हैं DES की उसके बारे में बात करूंगी। तो अगर आपको DES को अच्छे समझना है तो मेरा आगे वाला वीडियोस भी जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
So please like, share and subscribe. Thank you so much.